इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली जिले के हाजीपुर से है, जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप। हिंदू धर्म में घुसपैठ की बड़ी साजिश के पर्दाफाश का एक वीडियो सामने आया है। यकीन नहीं होता तो पहले ये वीडियो देखिए। क्या कर रहे हो यहाँ के? जो भी हम मांगे थे। कौन कास्ट से बिलोंग करते हो तुम? कौन धर्म से हो तुम? मुस्लिम से। हिंदू का वस्त्र क्या धारण किए हुए हो तुम लोग? नाम बताइए आप। नाम बताओ, अपना ओरिजिनल नाम बताओ। सुब्रती। करीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। हसन, बाप नाम असगर। तो नाम के? हलीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। क्या करने आए? जोर से। हलीम अहमद, बाप नाम सबूर मोहम्मद। क्या करने आए थे तुम लोग इधर? सर, विकलांग आदमी, हम मांगते खाते हैं, लंगर लंगर मांगते। तो आप लोग हिंदू के भेष में? ए भाई, फ्रॉम माइल। साधु बनकर हिंदू समाज की भावना से खिलवाड़ करने वाले ये 5 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। यह मामला है नगर थाना क्षेत्र के कदम घाट का, जहां सुबह सुबह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभी संदिग्धों को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। इनके पास से 2 आधार कार्ड और 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। सभी संदिग्ध उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो सावन के महीने में बसहा बैल लेकर मोहल्ले में घूमते थे और भिक्षाटन करते थे। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आर्यन सिंह ने आरोप लगाया है कि कई दिनों से ये लोग साधु का वेश बनाकर मोहल्ले में घूम रहे थे। सभी बसहा बैल लेकर गली गली घूमते थे और लोगों से पैसा और अनाज मांगते थे, जिनके बारे में सूचना मिली कि सभी हिंदू नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, जिसकी पड़ताल की गई और आज सभी को पकड़ लिया गया। आर्यन सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि सभी संदिग्ध किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं और एक बड़ी साजिश के तहत जिले में घूम रहे हैं। हालांकि पकड़े गए संदिग्धों ने बताया कि भीख मांगकर वह अपना गुजारा करने के लिए साधु का रूप धारण किए थे। बताया जा रहा है कि सभी इस तरह का काम करने वाला एक ग्रुप बनाकर कई जिलों में इसी तरह साधु बनकर घूम रहे हैं। इनके टीम के कई लोग हाजीपुर में भी कई जगहों पर घूम रहे हैं। बहरहाल पुलिस सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। हम लोगों को संगठन के माध्यम से सूचना मिला था कि यहाँ पे अपने जिला वैशाली में कुछ मुस्लिम तत्व के लोग हिंदू के वेश में घुस चुके हैं, जो सनातन संस्कृति को कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। वैसे ही पूरे राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की टीम पूरे जांच पड़ताल में लग गई और आज कदम घाट मंदिर पे जैसे ही सुबह में हम लोग यहाँ पहुंचे तो पता चला कि कुछ यहाँ पे बसहा बैल को लेकर के कुछ सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। हम आ करके जैसे ही इनसे जांच पड़ताल किए, पहले तो इन लोगों ने झूठा परिचय दिया। हमने कहा आधार कार्ड है, तो बोला नहीं, मेरे पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, हमारा एक टीम है जो जड़ुआ बाग टोला में है वहाँ पे उपलब्ध है। फिर मैंने कहा कि सूचना उनको दीजिए टेलीफोन पे और आप आधार कार्ड मंगवाइए। फिर इन लोगों ने आनाकानी किया। उसके बाद जैसे इनका नंबर लेकर के हमने जाँच किया तो पता चला हलीम मोहम्मद के नाम से। फिर हमें शंका हो गया, फिर सभी लोगों को मैंने जांच पड़ताल किया और सभी बारी बारी से मुस्लिम निकले। हमने पूछा इनसे कि आप हिंदू वेश में सावन के पावन महीने में नंदी महाराज को लेकर के आखिर किस षड्यंत्र के तहत वैशाली जिला में आए हैं? तो ये लोग आनाकानी करने लगे। ये ज्यादातर ये बांग्लादेशी मुसलमान है, रोहंगिया है, और ये जानबूझ करके हमारे आस्थाओं को कलंकित करने के लिए और एक आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए हाजीपुर वैशाली में उपस्थित हुए हैं। आज इनका भंडाफोड़ हुआ, इनका पूरा टीम है और वो टीम को जल्द से जल्द हम वैशाली प्रशासन से निवेदन करेंगे, जल्द से जल्द इनकी पूरी टीम को पकड़ी जाए। पानी में मिला है कि इतना पैसा इन लोग गिनती नहीं की है। 5 मोबाइल है और 2 आधार कार्ड। आधार कार्ड कहाँ का है? आधार कार्ड वहीं का है जो जहाँ बोले आपको आधा बात सुनते हैं। आधार कार्ड वहीं का, जहाँ के निवास है वहीं का आधार कार्ड है दोनों का। अभी अभी हमारा आदेश हुआ जो थाना पर सबके लेते हैं, वही थाना पर लेके यहीं पर गाड़ी में लगा हुआ।